ये डीमोटिवेटिंग सेंटेंसेस हैं तीन, एवरी डिजायर इज नॉट फुलफिल्ड। ये हमारा उसूल नहीं है, ये अंग्रेजों के फिलोसोफर एरिस्टोटल भी ये कहता है, उनके भी यही उसूल है। आप जो है हर बंदे को नबी नहीं ठीक कर सके। अक्सर लोग ईमान नहीं लेके आए, हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती, किसी की नहीं हुई आज तक। विद एवरी प्लेजर कम्स ग्रेट पेन, हर खुशी के साथ एक खौफ जुड़ा आता है, क्योंकि खौफ है छिन जाने का। दुनिया से राजी आदमी कब होता है कि जब वो ये समझता है वतमान्नु बिहा कि ये मेरे इत्मीनान का सबब बन सकती है, ये दायमी इत्मीनान दे सकती है, तमानीना ये मेरे दिल में वो इत्मीनान ला सकती है। यहां पर एक झूठ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने टेस्ट को ऐसे बनाया है कि फिरौन भी जो था ना, उसके पास औलाद तो नहीं थी उसकी अपनी, जब ही तो मूसा अलैहिस्सलाम पे मोहब्बत आ गई और पालना शुरू कर दिया। ये बोलना कि दुनिया इत्मीनान दे सकती है, इसका मतलब लाइफ में अगर दुनिया से राजी हो जाए और इत्मीनान जोड़ ले तो वैक्यूम नहीं आना चाहिए, खला नहीं पैदा होनी चाहिए। तीन फैक्ट्स हैं इस दुनिया के, अगर लिखना चाहे तो लिख लें, जो हमेशा आपकी सेटिस्फैक्शन को ख़त्म करेंगे। ये डीमोटिवेटिंग सेंटेंसेस हैं तीन, एवरी डिज़ायर इज नॉट फुलफिल्ड। ये हमारा उसूल नहीं है, ये अंग्रेजों के फिलोसोफर एरिस्टोटल भी ये कहता है, उनके भी यही उसूल है। हर डिजायर पूरा नहीं हो सकता, एवरी बेगर कैन नॉट बी अ किंग, ये फिलोसोफिकली और मैथमेटिकली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, बिकॉज आप अपनी उम्र को नहीं रोक सकते, एज को नहीं रोक सकते, आप जवाल को नहीं रोक सकते, टाइम ने पलट जाना है। आप जो है हर बंदे को नबी नहीं ठीक कर सके। अक्सर लोग ईमान नहीं लेके आए, हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती, किसी की नहीं हुई आज तक। चले, जिसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती, दूसरा सेंटेंस, विद कंजम्पशन द यूटिलिटी डिक्रीजेस, जितना ज्यादा उसको कंज्यूम करोगे उस नेमत का हुसूल, जितना ज्यादा इस्तमरार के साथ उसको इस्तेमाल करते रहेंगे कंटिन्यूटी के साथ, उसका डिजायर भी खत्म हो जाएगा आपके अंदर और लज्जत भी कम हो जाएगी, चाम ही नहीं रहेगा। तीसरा मसला, विद एवरी प्लेजर कम्स ग्रेट पेन, हर खुशी के साथ एक खौफ जुड़े आता है, याद है माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, फिराक का और जुदाई का गम तो है ही है, यादें भी साथ छोड़ गया है, क्या करें, क्योंकि खौफ है छिन जाने का। जिस चीज से ज्यादा दिल लगाओगे उतना ही खौफ बढ़ जाएगा।